Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are safe and fine in this pandemic by the grace of Allah Azza wa Jal. I hope all of you have done your previous work of subject science of lesson number 1, 2 and 3 in your books neatly. Now dear students, today we are going to start our lesson number 4. Of subject science, and our topic is light and shadow. Okay, this is our topic, light and shadow, and it's our lesson number 4. Now open your books, page number 79. Now open page number 79 in your books, and the topic, as I told you, light and shadow. Okay. In this chapter, you will learn that light is needed to see objects in the dark. Light जो है उसकी हमें ज़रूरत होती है देखने के लिए objects को, चीज़ों को in the dark. जब अंधेरा होता है, darkness होती है, तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? Light की. Some lights are bright and some are dim. कुछ lights बहुत ज़्यादा bright होती हैं and some are dim. Okay? Some comes from different sources. कुछ light comes from different sources. Light जो है वो हमें अलग अलग sources से मिलती है. Light passes through some things and does not pass through others. Light जो है वो pass होती है किसी चीज़ों में से, आराम से पास डाउन हो जाती है, और किसी में से पास नहीं होती. एंड द लास्ट वन, व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग, अ शेडो इज फॉर्म. अब जब किसी भी चीज़ में से लाइट पास नहीं होती तो क्या होता है? फिर क्या बनता है? यस, अ शेडो इज फॉर्म. तो उसका क्या बन जाता है? उसका एक शेडो बन जाता है. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दीज टॉपिक्स फ्रॉम द लाइट एंड शेडो. ओके, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. हमें लाइट की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए. और द मेन सोर्स ऑफ लाइट, जो हमारी जो एक मेन सोर्स है जिससे हमें लाइट मिलती है, दिस इज़ द सन. ओके, द सन गिव्स अस लाइट एंड इट ऑल्सो गिव अस हीट. ओके, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट बोथ, एंड इट इज़ द मेन सोर्स विच फ्रॉम विच वी गेट लाइट. ओके, नाउ वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. हमें लाइट की ज़रूरत होती है चीज़ों को देखने के लिए. वी कैन नॉट सी इन द डार्क, क्योंकि जब अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, तो हम चीज़ों को देख नहीं पाते. द सन गिव्स अस लाइट एंड चेंजेस अ डार्क नाइट इंटू अ ब्राइट डे. द सन, जो सूरज है, सन, दिस इज द सन. ओके, द सन गिव्स अस लाइट. सन जो है हमें लाइट प्रोवाइड करता है, एंड इट चेंजेस अ डार्क नाइट. और जैसे कि रात को जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल हर तरफ डार्कनेस हो जाती है, तो सुबह होते ही जैसे ही जो सूरज निकलता है, तो क्या होता है? वो डार्कनेस इज चेंज इंटू अ ब्राइट डे. सो सन चेंजेस अ डार्क नाइट इंटू अ ब्राइट डे. क्या होता है? बिल्कुल जो डार्कनेस होती है रात की, अंधेरा होता है, वो एक ब्राइट डे में चेंज हो जाता है. और वो किसकी वजह से चेंज होता है? यस, वो सूरज की रोशनी की वजह से चेंज होता है. ओके, लाइट ऑल्सो कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फायर्स एंड टॉर्चेस. अब सन के अलावा हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें लाइट मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं. दीज आर द, इसके अंदर क्या है, क्या फिटेड होते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, या ट्यूब लाइट्स होती हैं, उनसे भी हमें लाइट मिलती है. इसके अलावा फायर, चाहे वो कैंडल में हो, बॉन फायर हो, तो फायर से भी हमें लाइट मिलती है. टॉर्च से भी हमें लाइट मिलती है. तो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट लाइट. ओके, बल्ब, सन, फायर एंड टॉर्च आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट लाइट. ओके स्टूडेंट्स, ओके,
नाउ सम लाइट्स आर वेरी ब्राइट, कुछ लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, अदर आर डिम, लेकिन कुछ लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल डिम होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। इसकी एग्जांपल आपको इस पिक्चर से ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल द लाइट ऑफ अ कार, कार्स हेडलाइट, कार की फॉर एग्जांपल आप जैसे देख रहे हैं यहाँ कार की हेडलाइट है, इसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा ब्राइट है, इसी वजह से जब रात के वक्त भी अंधेरे में भी हम ड्राइव करते हैं गाड़ी को और ये जब लाइट हम जलाते हैं तो उससे हमें आराम से हमारे लिए ड्राइविंग आसान हो जाती है, बिकॉज द कार हैज़ अ ब्राइट हेडलाइट्स विच गिव्स अस द क्लियर वे, जिससे हमें क्लियर वे दिखाई देता है, हमारा पाथ क्लियर हो जाता है, क्योंकि लाइट कार के जो फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ब्राइट जो हैं वो लाइट्स लगी हुई होती हैं, जिसकी वजह से हमें डार्कनेस में से भी हम आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ लाइट्स आर ब्राइट लाइट, ओके। इसी तरह सूरज की जो रोशनी है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, ओके। सन्स लाइट जो है वो भी बहुत ब्राइट होती है। नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ डल लाइट या डिम लाइट। डिम लाइट क्या होती है, जैसे कि छोटी सी कोई टॉर्च की लाइट है या छोटी सी जैसे अलार्म क्लॉक, जैसे छोटे छोटे लैम्प की जो छोटी सी, मतलब बहुत जिसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें से बहुत थोड़ी सी लाइट आ रही हो, जस्ट लाइक लैम्प लाइट है या एक कैंडल की लाइट है, या तो ये जो है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डम लाइट, ओके। बहुत ज़्यादा डिम लाइट्स होती हैं, उसमें बहुत थोड़े से स्पेस को वो कवर करती हैं और थोड़े से एरिया को कवर करती हैं और लाइट प्रोवाइड करती हैं, तो ओके। सम लाइट्स आर वेरी ब्राइट एंड सम आर डिम, ओके ओके। कम टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, जितनी भी लाइट्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। एज यू सी इन दिस पिक्चर, लाइट्स ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वो कभी zigzag में या ट्विस्ट में नहीं ट्रेवल करती, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक दिस और जस्ट लाइक दिस। दिस इज़ द क्लियर पिक्चर इन विच यू सी दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करती हैं। लाइट कैन पास थ्रू वाटर, और लाइट जो है वो वाटर से पास थ्रू करती है, जैसे जब अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ बोल, देर इज़ अ बोल एंड देर इज़ सम वाटर इन द बोल, दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट बोल, ओके। सो जब हम इस पे इसके एक साइड से लाइट को पास डालेंगे, जब एक तरफ से हम जब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टॉर्च, ओके, तो जब हम टॉर्च से इसके एक साइड से लाइट पास डाउन करेंगे तो इट पासिस थ्रू द वाटर, ओके, ईजिली। सो लाइट कैन पास थ्रू वाटर, दिस इज द पिक्चर विच शोज यू दैट लाइट कैन पास थ्रू वाटर, ओके। एंड दिस इज द पिक्चर विच शोज यू ऑल लाइट्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स, जितनी भी लाइट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती हैं, ओके ओके। लाइट पासिस थ्रू सम मटीरियल्स, कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट पास हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया वाटर में से भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट चीज़ों में से हो सकती है, तो लाइट पासिस थ्रू सम मटीरियल्स, लाइट जो है कुछ मटीरियल्स में से पास डाउन हो जाती है, बट कैन नॉट पास थ्रू अदर्स, लेकिन कुछ मटीरियल्स ऐसे हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती, ओके। लाइट कैन पास थ्रू एयर, अच्छा लाइट जो है जैसे वाटर से पास डाउन हो जाती है वाटर के थ्रू, इसी तरह एयर हवा में भी लाइट पास डाउन हो जाती है। सो वी हैव टू एग्जांपल्स थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल इज वाटर एंड अदर इज द एयर, ओके। सो लाइट कैन पास थ्रू एयर एंड वाटर, ओके। इन दिस पिक्चर एज यू सी लाइट पासिस थ्रू सम मटीरियल्स, जैसे कि आप एक मैंने बताया एयर में से भी हो जाती है या लीव्स हैं या देखें इसमें से भी लाइट पास हो रही है, बट कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती, जो कि बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि डोर है, वॉल है, रॉक्स हैं, ओके। सो जिसमें से लाइट पास नहीं होती।
नाउ लाइट किसमें से पास होती है? लाइट कैन पास थ्रू ग्लास, शीशा. इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लास. जैसे कि वाटर में से हो जाती है, एयर में से हो जाती है. इसकी एक और एग्जाम्पल ये है कि लाइट कैन पास थ्रू ग्लास, शीशा जो होता है ग्लास, इसमें से भी लाइट पास हो जाती है. ओके, तो सो वी कैन से दैट लाइट कैन पास थ्रू वाटर, एयर एंड ग्लास. एंड देर आर अदर मटीरियल्स फ्रॉम विच लाइट कैन नॉट पास आर लाइट कैन नॉट पास थ्रू दीज मटीरियल्स. ये जो मटीरियल्स हैं इनमें से लाइट पास नहीं होती. ओके, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? रॉक, पत्थर जो होते हैं, पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं. ओके, सो रॉक, ब्रिक्स, ब्रिक्स की जो वॉल बनी हुई होती है उसमें से भी लाइट पास नहीं होती. और वुड, लकड़ी का दरवाज़ा, कोई भी ऐसी वुडन चीज़ हो बड़ी सी, उसमें से भी कोई भी ऐसी वुडन की चीज़ें हों बड़ी, उसमें भी लाइट पास नहीं होती. वॉल्स, ब्रिक्स में से भी लाइट पास नहीं होती. और रॉक्स, स्टोन्स, माउंटेन्स में से भी लाइट पास नहीं होती. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर रॉक और माउंटेन्स, ब्रिक और वॉल्स, और वुडन डोर और वुडन वॉल्ट. ओके, दीज आर मटीरियल्स फ्रॉम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज हाउ शेडो इज फॉर्म. शेडो किस तरह बनता है? शेडो क्या होता है? किसी भी चीज़ का साया जो होता है उसे हम कहते हैं शेडो. हाउ शेडो इज फॉर्म, ये शेडो किस तरह बनता है? सो वी विल रीड अबाउट हाउ शेडो इज फॉर्म. द मटीरियल्स दैट डू नॉट लेट लाइट पास थ्रू देम ब्लॉक इट. वो मटीरियल्स जिनमें से लाइट पास नहीं होती वो क्या करते हैं? लाइट को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, लाइट का रास्ता रोक देते हैं. ओके, एंड व्हेन द लाइट इज ब्लॉक, और जब वो लाइट ब्लॉक हो जाती है, उसको पाथ नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता पास डाउन होने के लिए, और वो एक जगह ब्लॉक हो जाती है, सो इट कास्ट अ शेडो. तो क्या बनता है उससे? उस ब्लॉक सरफेस से क्या फॉर्म हो जाता है? शेडो फॉर्म हो जाता है. सो व्हेन द मटीरियल दैट डू नॉट लेट लाइट पास थ्रू देम ब्लॉक इट. तो क्या करते हैं? वो मटीरियल्स जिनमें से लाइट पास नहीं होती, चाहे वो डोर हो, चाहे वुडन डोर हो, ब्रिक हो, माउंटेन हो, कोई भी चीज़ हो, चेयर हो, टेबल हो, तो जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती वो क्या करते हैं? दे कैन ब्लॉक द पाथ, जो है लाइट पास उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं. एंड व्हेन द लाइट इज़ ब्लॉक, और जब उसका रास्ता लाइट जो है उसका रास्ता पाथ ब्लॉक हो जाता है, सो इट कास्ट अ शेडो. तो क्या होता है फिर? शेडो फॉर्म हो जाता है, चाहे अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो. एज यू सी, अगर ये चेयर है, अब चेयर इज दिस इज़ अ वुडन चेयर, सो अब यहाँ इसमें से भी लाइट पास नहीं हो सकती. तो क्या होगा कि लाइट का जो रास्ता है वो हो जाएगा ब्लॉक. अब जब वो ब्लॉक होगा तो क्या होगा उससे? फिर उसका शेडो बनेगा जो कि रिफ्लेक्ट होगा ऑन द ग्राउंड पे, और जिसे हम देख सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द शेडो इज़ फॉर्म. ओके, कॉन्सेप्ट चेक में आप ये पढ़ेंगे, अनस्क्रैम्बल द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. ओके, दिस इज यू हैव टू डू इन योर बुक. ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. ये स्क्रैम्बल वर्ड्स हैं, जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपको सही करके यहाँ नीटली अपनी बुक में लिखना है. तो ऑल लाइट ट्रेवल्स थ्रू इन स्ट्रेट लाइंस, ये क्या है? ये लाइंस है. नंबर टू, व्हेन लाइट इज ब्लॉक, जब लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है या ब्लॉक हो जाती है लाइट, अ डैश इज कास्ट. तो ये जो जंबल वर्ड है इसका क्या आंसर है? शेडो. क्या बनता है? शेडो बनता है. सो देयर यू हैव टू राइट लाइंस एंड यू हैव टू राइट शेडो इन दीज टू ब्लैंक्स वेरी नीटली. नाउ कम टू पेज नंबर 82. ओके, नाउ कम टू चूज द करेक्ट आंसर. You have to choose the correct answer from the these answers and tick with the pencil. Which of the following is a source of light? Source of light क्या है इसमें? Fire है, sun है, torch lamp है, या all of these हैं? So all of these are the source of light. So you have to tick D with the pencil all of these को, क्योंकि ये सारे जो हैं वो source of light हैं.
नंबर टू, व्हेन आर शेडो फॉर्म, शेडो कब फॉर्म होता है, कब बनता है शेडो. मैं आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि शेडो कब बनता है. तो नंबर जो ए है ये इसका आंसर है, इसको आप टिक करेंगे. व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती तो क्या होता है, शेडो फॉर्म होता है. ओके, नाउ नंबर थ्री, थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन लाइट पास, इन चारों में से कौन से ऑब्जेक्ट में से लाइट पास हो सकती है, वॉल, रॉक, बिल्डिंग या ग्लास. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ग्लास ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास हो सकती है, बिल्डिंग में से भी नहीं हो सकती, वॉल में से भी नहीं हो सकती और रॉक में से भी नहीं हो सकती. विच ऑफ दीज वुड नॉट क्रिएट अ शेडो, इनमें से कौन सी चीज़ अपना शेडो क्रिएट नहीं करती. सो कौन नहीं करेगा, ए पे आप टिक करेंगे. अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क, एक बंदा, एक पर्सन, एक आदमी जब एक खड़ा होगा इन द डार्क, बिल्कुल अंधेरे में, अंधेरे में कभी भी शेडो फॉर्म नहीं होता. ओके, सो जब अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क, अगर अंधेरे में कोई शख्स खड़ा होगा तो उसका भी शेडो फॉर्म नहीं होगा. ओके, दीज आर द आंसर यू हैव टू टेक इन योर बुक, पेज नंबर 82. Now come to exercise 2. Choose the correct word from the boxes to complete the sentences. Okay, there are some words in the box. You have to fit it in the correct box. Light can travel through. Light किन किन चीज़ों से travel करती है, आप ऊपर से देखेंगे. Glass, air and water. Okay, you have to write glass, air and water. Now number 2. Light can not travel through. किसमें से ट्रैवल नहीं करती. ओके, सो यू नो वुड, जैसे लकड़ी, ब्रिक्स एंड मेटल. ओके, दीज आर द थ्री थिंग्स विच लाइट कैन नॉट ट्रैवल, वुड, ब्रिक्स एंड मेटल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज लाइट ट्रैवल, लाइट किस सीक्वेंस, किस पाथ पे ट्रैवल करती है या किस तरह से ट्रैवल करती है. तो एज आई टोल्ड यू, लाइट किस तरह ट्रैवल करती है, इन स्ट्रेट लाइंस. लाइट कैन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, किस तरह ट्रैवल करती है, यस, इन स्ट्रेट लाइंस. ओके, नंबर 4, नेम 3 थिंग्स विच गिव आउट लाइट. इसमें आप अपनी भी मर्जी की कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, बट आई हैव रिटन हेयर सन, फायर एंड लैम्प. अगर आपको कुछ और लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगा. सो दीज आर द 3 थिंग्स विच गिव आउट लाइट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. थिंक अबाउट इट देन फाइंड आउट बाय लुकिंग. इज अ शेडो लॉन्गर इन द मॉर्निंग और एट मिड डे, क्या शेडो सुबह के वक्त लॉन्गर होते हैं या मिड डे दोपहर में. माई गैस, अब आपको गैस अपना लिखना है कि आप क्या सोचते हैं कि शेडो सुबह में होगा या दोपहर में. तो जो भी आपका गैस है, या चाहे वो लॉन्गर है तो आप लॉन्गर पे टिक कर दें, शॉर्टर है तो शॉर्टर पे टिक कर दें. बट इसका आफ्टर आई लुक, जब आप उसको देखेंगे दिन के वक्त भी शेडो को, सुबह में भी और दिन में भी, तो जो आपको ऑब्जर्व करेंगे तो यू ऑब्जर्व दैट अ शेडो इज शॉर्टर एट मिड डे. शेडो जो हमारा होता है, साया जो होता है किसी भी चीज़ का, वो मिड डे यानी कि बिल्कुल दिन के मिड में, मिड डे कहते हैं हम बिल्कुल जब सूरज बिल्कुल अपना पीक पे होता है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, एट दिस हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हमारा जो शेडो है वो शॉर्टर होगा. और वो शॉर्टर क्यों होगा, क्योंकि एट द मिड डे जो है वो सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, हम कहते हैं ये बहुत अपनी हाईएस्ट पीक पे होता है, और बिल्कुल उसकी जो लाइट है हमारे ऊपर इसी डायरेक्टली आ रही होती है, कि हमारा शेडो जो है वो बहुत शॉर्टर फॉर्म होता है, बजाय इन द मॉर्निंग के, कि जब इतनी ज़्यादा जो है वो सूरज जो है इतना ज़्यादा पीक पे नहीं हो, तो जब हमारा शेडो लॉन्गर होगा, और जब लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड shorter at the midday. Okay, now how many lights are there in your house. अब ये तो आपको खुद से करना है. ओके, जैसे कि आपका गैस आप कर लें कि आपके घर में कितनी लाइट्स हैं, आपने यहाँ लिख दिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई गैस कि मेरे घर में इतनी लाइट है. अब ये मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, ये आप खुद से लिखेंगे. नाउ देन वैन यू आर एट होम, जब आप अपने घर में हों, काउंट द नंबर ऑफ लाइट्स, तो आप अपने घर की सारी लाइट्स को काउंट करेंगे. देन राइट द करेक्ट आंसर बिलो, और फिर आप यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर लिखेंगे. जैसे मुझे लग रहा था कि मेरे घर में अगर 4 लाइट्स हैं, ठीक है,
लेकिन जब मैंने अपने घर में काउंट किया तो नहीं, वो तो गलत था। मेरा गैस मेरे घर में कितनी लाइट्स हैं, 5 हैं। तो इस तरह आपके भी घर में जितनी भी लाइट्स हों तो आप वो करेक्ट जो है नंबर काउंट करके यहाँ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द शेडो ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। यू हैव टू ड्रॉ द शेडो ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और योर मदर। ओके यू हैव, जब बॉल है, जैसे कि मैं आपको दिखाया था पहले चेयर का कैसे शेडो बना था, एज ये जो आपने देखा है, जैसे इस पे चेयर पे अगर लाइट पड़ी तो उसका शेडो कैसा बना है यहाँ पे ग्राउंड पे, इसी तरह जब बॉल पे अगर लाइट पड़ेगी, लाइट डालेंगे, सनलाइट होगी, तो उसका शेडो कैसा बनेगा वो आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। ओके और इसी तरह अगर सनलाइट होगी दरख्त पे तो उसका कैसे शेडो यहाँ ग्राउंड पे होगा वो भी आप यहाँ ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और योर मदर और योर टीचर। ओके सो यू हैव टू ड्रॉ द शेडो ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स नीटली इन योर बुक पेज नंबर 83।